वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर व्लॉग गाइस। सुबह के बज चुके 11:30 एंड भाई मैं सो के उठ चुका हूँ। एंड अभी गाइस मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अभी फिलहाल मैं आप एडिटिंग कर रहा हूँ मेरी हेमलैंड्स की वीडियो की, जो कि आई थिंक तुम लोग रख दो 20 तारीख को अपलोड हो चुकी है। आई थिंक ये वाला व्लॉग 25 के आसपास अपलोड हो रहा है। तो भाई साहब इस वीडियो को बनाने में इतनी ज्यादा मेहनत लगी है, कई दिनों की मेहनत, रात रात भर बैठ के एडिटिंग करी है। बेसिकली जो गाइस मेरी वीडियोस होती है ना, इसकी जो फर्स्ट ड्राफ्ट की एडिटिंग होती है मेरा एडिटर करके देता है मेरे को, एंड जो बाकी की एडिटिंग होती है लाइक बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना एंड फाइनल एडिट्स, जो लाइक कौन से क्लिप्स रहेगी, कौन से क्लिप कटने वाली, वो सारी मैं खुद करता हूँ, जिसमें भी लगभग 3 घंटे लगते हैं क्योंकि हमारी हिमलैंड की वीडियो बहुत बड़ी बड़ी होती है, ऑलमोस्ट 1-1 घंटे की होती है। एंड ऊपर से गाइस आज एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल दिन है, आज एकादशी का दिन है, आज हमारा व्रत होता है। एंड बाय द वे एकादशी ना महीने में 2 बार आती है, तो आज पता नहीं एकादशी का नाम क्या है आज, बट हम लोग हर बार एकादशी का व्रत रखते ही रखते हैं। तो आज हम लोग खाना वगैरह भी नहीं खा सकते हैं, बट द थिंग इज एकादशी का बहुत ही ज्यादा टेस्टी फूड बनता है नॉर्मल दिन से, तो वो जरूर आज हम लोग खाने वाले हैं। फिलहाल मैं काम करता हूँ, मैं फटाफट एडिटिंग करता हूँ, ये वीडियो अपलोड करता हूँ, उसके बाद जाकर मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू कर पाऊंगा क्योंकि बहुत टेंशन है दिमाग में। 20 दिन से मैंने कोई 20 छोड़ो भाई, मैंने ऑलमोस्ट 22-23 दिन से हिमलैंड की वीडियो अपलोड ही नहीं करी चैनल पे, तो फटाफट मैं इसको अपलोड करता हूँ। पहले गाइस आज का जो मौसम भी बहुत ही ज्यादा प्यारा हो रहा है यार, बाहर जाने का बहुत मन कर रहा है। बात बाहर जाने से पहले कुछ तो खाना पड़ेगा, मैंने ब्रेकफास्ट तो किया ही नहीं 12 बजने वाले। क्या कर रही है भाई तू? ओ आज तू मेरे को लगता है टमाटर और ये खिलाने वाली है, सिर्फ है ना मिर्ची। वैसे ही बात बोलूं गाइस, फास्ट का टेक्निकली मतलब क्या होता है कि जब फास्ट होता है ना इंसान का, तो इंसान को थोड़ा भूखा रहना चाहिए, लेकिन अपने महाशय जी थोड़ा जरूर भूखा नहीं रह पाते 12 बजे तक, तो इसलिए मैंने खिलाया नहीं। मैं चले यार एटलीस्ट 12 बजे तक तो ऐसा हो कि बिना कुछ खाए पिए हो रहा है, सिर्फ पानी पिया है हमने, बाकी और चाय पी थोड़ी सी, वो दूसरी चाय होती है। वैसे ये वाली चाय नॉर्मल चाय हम इस व्रत में नहीं पीते हैं, वो एक दूसरी चाय होती है। बाकी मैं ये बोल रही थी ना यूएसए की चाय, तुम ये देख रहे हो बर्तन, रात को बंदा, मैंने इसको बोला था कि मैं ना खाना दे देती हूँ फिर मैं बर्तन धो के सो जाऊंगी, इसने बोला नहीं नहीं दीदी मैं खुद कर लूंगा तू सो जा। मैं सो गई रात को, पता नहीं कब खा रहा बर्तन, ऐसे कैसे अब मेरे को प्रेशर, तो बर्तन थोड़ी मैंने थोड़ी देर रात को 11 बजे खाया मैंने खाना, मेरे को प्रेशर कुकर की जरूरत है, प्रेशर कुकर पहले धोना पड़ेगा और रात का ऐसे बर्तन रखते नहीं है। चल तू कोई बात नहीं, प्रेशर कुकर धो ले, थोड़ा सा खाना वगैरह बना दे यार, है ना, व्रत भी है, एडिटिंग वगैरह स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो ठीक है, बाय बाय। लो भाई तैयार हो गई है, इनके लिए हमने बनाई है सामक के चावल की खिचड़ी, जो कि व्रत के चावल होते हैं। बहुत ज्यादा भूख लग रही थी बंदे को, अभी टाइम भी ऑलमोस्ट लगभग 1 बज चुका है ना, क्या टाइम हुआ, 12:30 हो गए। दिखा दो हिमलैंड की वो कर रहा है बेचारा, बहुत ज्यादा थक गया होगा, थका तो क्या, चल मेंटली थकान होती है, फिजिकली थकान देती है। ये क्या कर रखा है तूने, अगर इसको हेडफोन को चार्ज पे लगाना, इसको अलग से चार्ज पे रख देना, वो नहीं होता भाई ऐसे साथ साथ मुंडी इसने घुमाई, पता चला खींच ही लिया इसको, साथ में खींच लिया, टेस्ट करके पता कैसी है, मुझे तो लग रहा है बहुत टेस्टी पुलाव बोल सकते, खिचड़ी बोल सकते इसको। अब व्रत में यार सुनने में तो आप लोगों को बड़ा अजीब लग रहा होगा ना कि यार व्रत में खा रहे, पर क्या करे यार, मेरे को तो खैर मेडिसिन खाने से मुझे खाना पड़ता है, और मेरे भाई बेचारा व्रत ही रख सकता है लेकिन इतना ज्यादा भूखा नहीं, व्रत हम लोग खा सकते हैं, फलाहार भी कर सकते हैं। हाँ वैसे एकादशी में अलाउ होता है इसीलिए हम खा रहे, अगर अलाउ नहीं तो शायद नहीं खाते है ना, कुछ चीजें अलाउड होती है। हाँ कुछ कुछ चीजें, चल कोई नहीं करो तुम अपना ब्रेकफास्ट कम लंच, बेचारे की हालत खराब हो गई है। नहीं कुछ हालत खराब नहीं हुई है। ओ मतलब ठीक हो तुम, अरे मेरा मतलब है एडिटिंग करके भूख के मारे एडिटिंग करके भी एकदम ठीक है यार, इतना अच्छा मौसम था कहीं बाहर ही ले जाता आज घुमाने, पर क्या देखते हैं इसके बाद 2 बजे के बाद प्लीज है ना कहीं घूमने चलते यार, मैं बोर हो गई हूँ, पता सच में बोर हो गई हूँ घर में, तो मैं सोच रही थी इसको मनाती हूँ, इसको बढ़िया कैसी लगी वैसे खिचड़ी तुमने बताया, बस तो टेस्टी है, इसको बाहर लेके जाना पड़ेगा, बाहर कुछ खा तो सकती नहीं, खाने के लिए बाहर नहीं जाना है आज, बाहर जाना है ऐसे थोड़ा घूमने के लिए, मौसम को भी एंजॉय करने के लिए बाहर जाना चाहिए ना, डन है ना। A few moments later. All right, boys and girls, दिन के 2 बज गए, फाइनली मेरी वीडियो एडिट हो चुकी है एंड रेंडर हो रही है। अभी मेरा ना गाइस कुछ प्लान्स है, देखो गला भी खराब हो रहा है भाई, तो मेरा प्लान सिंपल था गाइस, आज क्योंकि व्रत है तो आज मैं एक्सरसाइज वगैरह तो करूंगा नहीं, तो आज मैं वॉक पे जाने वाला हूँ, तो अभी मैं वीडियो अपलोड करके पब्लिश करने के बाद वॉक पे जाऊंगा, आराम से घूमूंगा फिरूंगा, एंड आई थिंक 1-1.5 घंटे की वॉक करने के बाद मैं वापस घर आऊंगा, तैयार होने के बाद नहा धो के फिर मैं और दीदी जाएंगे बाहर आज गाड़ी लेके, सोच रहा हूँ कहीं घूमने फिरने चलते हैं, देखते हैं कोई बढ़िया सा स्पॉट अगर मिल गया तो तुम लोगों को जरूर मैं ब्लॉग में दिखाऊंगा, तभी दिखाऊंगा यार, अच्छा होगा भाई, ठीक है ना, ठीक है। ये देखो मेरे को कौन मिला रास्ते में, कितना क्यूट है ये, हेलो 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 हेलो, क्या कर रहा है भाई, मेरे जूते पे चढ़ गया वही बंदा, तो कितना ज़्यादा क्यूट है ये, हेलो हेलो, यहाँ पर क्या कर रहा भाई तू अकेला इस रास्ते में, है इतने सुनसान रास्ते में चल रहा हूँ मैं, क्या कर रहा था यहाँ पे, क्या करती मैं कुछ खाने को देखो खिलाता हूँ, इधर इधर टुक्का मार रहा है, देखो इसको लगता भी इसको, बाय बाय यार, ये मेरे को दूर से कैसे देख रहा है, मेरे को बहुत क्यूट लग रहा है ये, ओए अपने घर जाना तू,
भाई मेरे को ऐसा अकेला छोड़ने वाला नहीं, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है। हेलो, जा अपने घर जा, रोड पे मत खेल, गाड़ी आती है यहाँ पे कभी कभी बीच बीच में, देखा आगे गाड़ी, छोड़ जा छोड़ छोड़। ओ भाई साहब, भाई सॉरी यार, डरा दिया तूने मेरे को, लेकिन गंदा कहीं का भाई, अब मैं सच में जा रहा हूँ भाई। ओ भाई पूरा भाग के आ रहा दूर से मेरे पास है, तो ये नहीं छोड़ने वाला मेरे को आज भाई। आजा 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 भाई, छुटकु डॉगी ना, जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे सबको देख रहा है, सबके पीछे जा रहा बेचारा। मैं भी अपने ओनर को ढूंढ रहा था, अपनी मम्मी को ढूंढ रहा, पता नहीं क्या कर रहा है बेचारा, बहुत पाप लग रहा है इसका मेरे को। Alright boys and girls, तो पूरा का पूरा वॉक करके मैं वापस आ चुका हूँ। देखो भाई यहाँ पे 5,556 स्टेप्स कंप्लीट किए मैंने आज पूरे के पूरे। तो बेसिकली जो है रोड है ना जहाँ पर घूमने के लिए जाता हूँ, वो पूरा एग्जैक्ट ऑलमोस्ट एग्जैक्ट 5,000 स्टेप्स का, तो मतलब मेरे लिए परफेक्ट बैठता है वो। उसके एक चक्कर मार के आता हूँ, एक घंटा लगता है वॉक करने में, एंड उसके मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट अभी बहुत ज्यादा भूख भी लग रही है, बोले भी नहीं जा रही थी, भूख लग रही है। तो व्हाट आर यू डूइंग, देखो बैठी है आराम से फोन छेड़ रही है, कोई खाने की वो नहीं है टेंशन भाई, क्योंकि मैं व्रत के टाइम ऐसे ही करती हूँ, ज्यादा मूवमेंट नहीं करती ताकि मुझे भूख ना लगे। इतना नहीं कि बाहर जाओ, खाना बनाना तो होता है ना, दिन में कुछ तो होता है बनाने के लिए, व्रत में खाना खाते, उसके लिए तो मूवमेंट करनी पड़ती है ना। नहीं नहीं, ये वाला व्रत नहीं है कि हमको निर्जला या फिर वैसा व्रत रख रहे हैं, ये वाला व्रत है इसकी, आप अन्न वगैरह नहीं खाते हैं और भी चीजें होती है जो नहीं खाते, बट थोड़ी बहुत चीजें अलाउड होती है वो आप खा सकते हो, जैसे फ्रूट्स वगैरह हो गए और यू नो। तो देखते हैं भाई कब तक बनाती है, बहुत भूख लग रही है मेरे को तो। ऑलराइट गाइस, मेरी व्रत की थाली आ चुकी है, देखो यहाँ पे कुट्टू काटे की रोटी है, थोड़े से सुबह वाले चावल टाइप कुछ पता नहीं क्या है, और दही और पनीर टाइप का कुछ बनाया। क्या लगी वहां से देखने भाई, मैं ये देख रही थी कि तारीफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मुझे लगा ना अभी बोल रहा कुछ नहीं बनाया गाइस, मैंने 15 मिनट में सारा बना के इसको रेडी करके दे दिया। चलो मैं खा के बता दूं तुझको कैसा लगेगा, ठीक है? बाय 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 बाय, बहुत भूख लग रही है। अब देखो यार गाइस, अभी ना शाम के कुछ लगभग 5 बजे, और देखो अभी हम ना घर से बाहर ही नहीं कर रहे क्योंकि हमें मेन काम क्या था, हमें गाड़ी धुलानी, और इस बंदे को देखो जरा, हम गाड़ी धुलाने ही जा रहे हैं, साफ क्यों कर रहा है ये, ऑलरेडी देखो पानी वानी मार दिया सारी जगह, पोछा मार रहा है। ये देखो भाई कितनी शिद्दत से गाड़ी साफ कर रहा है, मतलब ऊपर चढ़ चढ़ के गाड़ी साफ कर रहा है। हेलो मिया, हमने तो गाड़ी साफ करने जाना है भाई। ऐसा ही होता है, मतलब मैंने देखा है यूजुअली लड़कों के अंदर ये चीज होती है कि किसी भी चीज को गंदा देख सकते हैं लेकिन अपनी गाड़ी को गंदा नहीं देख सकते, तो इसके साथ भी सेम यही है। अभी भले ही हम गाड़ी साफ कराने जा रहे हैं, बट स्टिल अरे शक्लें बना रहा है कैमरा के पीछे, लेट करा रहा है तू ऑलरेडी, हाथ जा, एक हाथ जाम हो गया पूरे तरीके, तो हो गई जाम भाई। हम ऑलरेडी गाड़ी साफ ही कराने के मकसद से जा रहे हैं ना घर से बाहर, और फिर लगा हुआ गाड़ी चमकाने, देखो ऑलरेडी आधी रात चमका दी तूने, थोड़ी तो गाड़ी साफ होनी चाहिए, तो अभी खराब हो जाएगी देखो दोबारा से, कहाँ से खराब होगी, ऑलरेडी चमका दी है गाड़ी। ये है कि हम लोगों को गाड़ी अपनी बाहर लगानी पड़ती है, सामने को पार्किंग खाली है क्योंकि यहाँ पे ना बाहर के बंदे गाड़ी लगा के चले जाते हैं, तो मेरे को गाड़ी बाहर लगानी पड़ती है, और पेड़ के नीचे लगा, ये पेड़ के ऊपर से झाड़ गिर रहा है, वो गिर रहा है, सो गिर रहा है, अब से मैंने क्या करना है, तो सही यार, जो तेरे नकली सांप है ना, दो असली सांप यहाँ छोड़ दूंगा जो आया ऐसी की तैसी, कोई कोई पार्किंग में खड़ी नहीं कर सकता गाड़ी, जो अंदर के बंदे उनको पहले बोलकर रखूंगा, इन दोनों का नाम है टिंकू और चिंकू। भाई ये लड़का इतना खुराफ आती है ना, इसके दिमाग में ऐसी ऐसी चीज आती है, मतलब अब मुझे समझ आ रहा है क्योंकि हमारे पापा के दिमाग में भी ऐसी ऐसी चीज आती है, तो इसके दिमाग में भी विरासत में मिली है चीजें। बट चलो एनीवेज, अब हम निकल गए थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने के लिए, टहलने के लिए निकले गाड़ी में बंदी है। हाँ तो ठीक है, अरे टहलने का मतलब है थोड़ा सा होता है यू नो मॉडर्न टहलना, पहले की तरह नहीं है, हाँ मॉडर्न टहलना टाइप की, थोड़ा सा यू नो हवा खाने जा रहे हैं, बुफे लगाते हो, थोड़ा मस्ती करते हैं, ठीक है यार ठीक है। भाई देखो अभी क्या सीन हो गया है, हम लोग घर से निकले थे, क्यों मैंने बताया था ना गाड़ी साफ करने के लिए, लेकिन गाड़ी साफ हुई नहीं है क्योंकि हम काफी देर तक ट्रैफिक में फंसे रहे। वाह भाई यहाँ पे भी इतना ट्रैफिक लगता ना शाम के टाइम पे भाई, तो ट्रैफिक में फंस गए, अब देखो बाहर अंधेरा होगा, फिर अब आप क्या ही गाड़ी साफ करानी, इसलिए हम घूम के वापिस आ रहे हैं, क्या काम आ रहे हैं, इस जगह रोकने की जरूरत नहीं है यार, तू ऐसी खतरनाक जगह कैसे रोक सकता है, चुड़ैल बॉडी में ना अभी तेरे को एक चांस देने वाला मैं। गाइस ये ना बहुत बदतमीजी, मैं नहीं उतर रही बाहर यार, क्या ये पता कहाँ रोक रहा है, एक्चुअली शिमला की ये हॉन्टेड प्लेस है, इसने एक बार अपनी वीडियो में भी याद है मैंने तो कुछ चैलेंज दिया था ना यहाँ पे बाहर जाने का, यहाँ ना बाहर लाइट भी नहीं है बिजली, देख जरा बाहर, हम जाएंगे बाहर यहाँ पे और व्लॉग शूट करने, मैं नहीं जा रही, और तू मैं भी आ रहा हूँ, रिस्की है वैसे, गाइस अभी ज्यादा मर जाएगी और क्या होगा, अच्छा की तरह अभी ना ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, वैसे क्या टाइम हुआ अभी, बहुत कम टाइम हुआ है, जल्दी अरे वैसे तो लोग घूम रहे यार यहाँ पे ना, लेकिन मैं थोड़ी सी डरपोक किस्म की हूँ ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ, पर ये इसको पता नहीं क्या चुल मची यार, देखो बाहर निकल गया यार, तेरे को क्या चुल मच रही है, मैं बताऊँ अभी क्या टाइम क्या हुआ, मेरे को टाइम भी नहीं पता, मैं टाइम के हिसाब से आती हूँ यहाँ पे, यहाँ पे 7 बजे के बाद आना मना है भाई, हाँ 7 बजे के बाद नहीं आते, रात के 12 बजे तो आते ही नहीं है, बल्कि लेकिन मैंने इसको एक बार चैलेंज दिया था और ये आया था, ये यहाँ ऊपर गया था, अगर तुमको याद है तो यहाँ ऊपर गया था पानी के पास, अभी नहीं तो यार लाइट नहीं है, चलिए प्लीज चलना यार यहाँ से,
अरे प्लीज चलना यार यहाँ से, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ गाइस, इस जगह का नाम ही चुड़ैल बावड़ी रखा गया। किसको? अरे मेरा दिल छोटा है, तेरा बड़ा होगा, मेरा बहुत छोटा दिल है, मेरे को बहुत जल्दी हमारी ना थारबीन दिख रही मुझे यहाँ से, पता है साइड में खड़ी रहेगी, हाँ ऐसा लग रहा है गायब होगी गाइस, यहाँ से तो दिख रही है, देखो ना बस वो नंबर प्लेट चमक रही है, अदरवाइज दिखनी भी नहीं थी। पिछली गाड़ी आई तब जाके, जा तू जा ऊपर, अगर इतना शौक लग रहा तो। अरे चलो हम अकेले नहीं है, देखो ये भी हमारे को सिग्नल दे रहे हैं, निकलो यहाँ से टाइम से, जाना बस यहाँ ऊपर जाना ना, बहुत सारी जगह से यार ऐसा मत बोल, पता है वांटेड प्लेस में ना सबसे पहले ये ना संकेत यही देता है, पता है ये ऐसा मैंने सुना है कि जो डेविल्स की एनर्जी होती है ना उसके लिए ऐसा बोला जाता है। अरे बहुत ज्यादा ऐसे बोलते, बहुत गंदी स्मेल आती है जब आपके आसपास कोई ऐसी शैतानी रूह खड़ी होती है। मत जा भाई, क्यों क्यों पागल हो रहा है कि मैं जा रही गाड़ी में, मैं नहीं बैठ रही, गाड़ी खोल, मेरे को एक तो गाड़ी भी नहीं दिख रही है, ये तो रुक जाना यार, क्या चुल मची, आ जाना, हम ऐसे खुश है, मैं नहीं रह रही, तूने वहां क्यों बोला कि बात आ रही है, नहीं मैं नहीं जा रही वहां पे, नहीं मैं नहीं आ रही, मैं मेरे को इस पे भरोसा नहीं है, पता नहीं क्या क्या ये वाला पेड़ देखा हमने, बहुत गंदा ये, निकल तू यहाँ से साला बदतमीज, देखो तो कैसे हंस रहा है, जरा भी तमीज नहीं है यार इसको, सामने पेड़ से चुड़ैल भागी, मैंने नहीं सुना ये लाइन, मेरे को बस इतना था कि तूने बोल दिया ना, मैं ना गाइस बहुत ज्यादा डरती हूँ, क्या बोल रहा है तू, अब बोलिए सर, मैं चाहती हूँ कि तू कैमरा के सामने बकवास करे, क्या क्या रोक रहा है, अब कहाँ जा रहा है, मैं नहीं उतरूंगी यार, पीछे कुछ भी क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे यार, क्या क्या यार, पता नहीं, एक तो जगह ही इतनी वियर्ड सी है, शीशा बहुत गंदा है गाइस, हाँ शीशा इतना गंदा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, चल मैं मामा गाइस, हाँ वहाँ देखो वहाँ मामा लिखा हुआ है, मामा का मतलब तेरे पास और कोई काम नहीं है, अभी मैं गाड़ी में बैठे बैठे तो मैं डरूंगी नहीं, इतना तो तू समझ ले, देखो गाइस गाड़ी के अंदर नहीं मैं डर सकती, इसलिए जो मर्जी करता रहे, मामा मुमा जो मर्जी करना है, मैं ऐसे नहीं, मामा एक बहुत डरावनी मूवी है ना, हाँ डरावनी, और मुझे तो बहुत अच्छी भी लगी थी भाई, लिखा हुआ है ना तो याद आएगा, खिड़की बंद कर लेता, डर कम ठंड ज्यादा लग रही है,